एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक हेयर रेमेडी जो लेकर के आई हूँ उसको डाई तो आप नहीं बोल सकते हो, और ये बहुत ही अच्छी है बालों को मैं लगाने के लिए। और इसमें मैं कोई केमिकल यूज नहीं करूंगी, हीना बिल्कुल यूज नहीं करूंगी, और ये बहुत ही सिंपल है। और जो मैंने सामान लिया है वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, आपको इसी किसी हर्ब्स स्टोर में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या क्या सामान लिया मैं आपको बता देती हूँ। तो प्लीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट का जवाब देती हूँ, लेकिन जब वीडियो बनाती हूँ मैं तब सबके कमेंट का जवाब दे देती हूँ। तो मैंने अभी मेरी ये देखिए, मैं बता देती हूँ मैंने क्या लिया है इसमें। ये मेरा आंवला पाउडर है, और ये बालों के लिए आंवला बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको, जब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब भी आप आंवला बालों में लगाते हो तो आप उसको खाने की भी कोशिश कीजिए, कि जैसे आंवले का मुरब्बा है, आंवले की चटनी है, या जो भी आंवले से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, अगर आप उसको खाते हो तो बालों में डेफिनेटली आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आपकी आंखों को बहुत फर्क पड़ेगा और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप ये जो चीज़ें होती हैं लगाने वाली, वो सिर्फ ऊपर से आपके बालों को कलर देती हैं, लेकिन अंदर से अगर आपकी वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो आपके बाल डेफिनेटली व्हाइट नहीं होने वाले हैं। तो चलो, इसको कैसे बनाना मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने आंवला पाउडर लिया है, तो ये मैंने अभी बहुत ही मेरा बारीक है, लेकिन मुझे इसको हल्का सा रोस्ट करना पड़ेगा, और मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। ये देखिए, मुझे हल्का सा रोस्ट इसलिए करना है क्योंकि इसका थोड़ा सा मुझे ब्लैक कलर चाहिए, और अगर ये ब्लैक कलर नहीं होगा तो आपके बालों में ये आंवला तो असर करेगा, लेकिन अगर ब्लैक कलर होगा तो इंस्टेंट आपके बालों में नहीं चढ़ पाएगा, अगर नहीं होगा ब्लैक कलर। तो मुझे हल्का सा इसको रोस्ट इसीलिए करना है कि इसका, ताकि इसका ब्लैक कलर आ जाए। और इसको मुझे थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद इसको थोड़ा मुझे ठंडा भी करना है, क्योंकि और बहुत ही बारीक पाउडर बनाना है इसका, बिल्कुल मोटा नहीं करना है इसका। अब देखिए, जैसे ये रोस्ट हो गया है तो ये अपने आप हो जाएगा, क्योंकि अभी गर्म हो गया इसका बर्तन, तो ये पूरा अपने आप अच्छे से हो जाएगा। मैं गैस बंद कर देती हूँ। देखिए, और अभी मुझे इसे ठंडा करना है, क्योंकि अगर मैं इसका अभी से बहुत बारीक पाउडर बनाऊंगी तो ये ठंडा नहीं हो पाएगा। अभी जैसे मुझे इसे ठंडा करना है, और ये थोड़ा डार्क हो गया है, अभी गर्म है बर्तन, तो ये पूरा अपना अच्छे से हो जाएगा इसमें, और डार्क हो जाएगा ये। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल को थोड़ा सा काट लेती हूँ छोटे छोटे पीस में। अभी मैं ये एलोवेरा जेल, एलोवेरा है जो, उसको छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ, क्योंकि इसको छीलने में थोड़ी दिक्कत अगर होती है आप लोगों को तो। वैसे तो अगर आप इसको बिना वाले किसी चीज में ऐसे ही लगाना चाहते हैं तो आपको ये छीलना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसके छोटे छोटे पीस कर सकते हो, वैसे तो आसानी से छिल जाता है ये। तो मैं इसके इतने छोटे छोटे पीस कर ले लूँ, देखिए। ये देखिए, मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, और इसको मैंने ये इसको छीला नहीं है क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना है। तो ये इसका पेस्ट इसके साथ इसके छिलके पीस जाएंगे, लेकिन मुझे इसको बॉईल करना है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैंने देखिए जो मेरी मैंने आंवला पाउडर लिया है, मैं उसको पहले बारीक पाउडर बनाऊंगी। अगर मैं इसको एलोवेरा के साथ ही मैं इसको अगर पीस देती हूँ तो फिर ये बिल्कुल बारीक नहीं बनेगा। तो मुझे इसीलिए क्या करना है, इसको पहले इसका पाउडर बनाना है, जब इसका बारीक पाउडर हो जाएगा तो फिर मुझे एलोवेरा के पीस इसमें डालने हैं, ताकि ये बहुत ही स्मूथ इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। अब ये देखिए, मैंने इसका बारीक पाउडर बना लिया है, अब मुझे क्या क्या करना है, तो इसके मुझे एलोवेरा के पीस इसी में डालने हैं पाउडर में, क्योंकि ये बारीक हो चुका है तो इसके साथ और अच्छे से ही बारीक हो जाएगा। अभी देखिए, मैंने ये कर लिया है इसको, तो अभी मुझे ये जो एलोवेरा जेल है ये मुझे वापस से इसमें पलटना है, जिससे कि इसमें, क्योंकि एलोवेरा के जो मैंने छीला नहीं है ना, तो इसके पत्ते थोड़े से इसमें मोटे मोटे ग्रीन ग्रीन रह जाते हैं, तो उससे क्या है कि फिर वो जब छानते हैं हम तो वो बहुत ही वो निकल जाते हैं बाहर, और ये एलोवेरा जेल जो थोड़ा मोटा रह जाता है इसमें, तो वो क्या है, जब मैं इसको बॉइल कर अच्छे से पकाऊंगी तो इसमें क्या होगा, ये सारा एलोवेरा जेल बिल्कुल अच्छे से जो मोटे मोटे रह जाता है, तो वो भी अच्छे से उबलने के बाद तो उसमें कोई भी एक भी एलोवेरा का कोई पीस भी नहीं रह जाता। तो मुझे इसको देखिए अभी साफ करके अच्छे से, अभी मुझे इसे चलाना है थोड़ा सा, देखिए, क्योंकि इसमें जो पत्ते हैं वो जल जाएंगे, और जो एलोवेरा में थोड़ा सा जो मोटा मोटा दरदरा सा उसका जो रह जाता है थोड़ा, तो वो भी अच्छे से जल जाएगा, और ये थोड़ा बारीक इसमें हो जाएगा।
अभी देखिए, अभी थोड़ा सा जितना भी इसके पत्ते हैं ना, ये मोटा मोटा एलोवेरा है, ये सब नीचे जल जाएगा, बैठ जाएगा, थोड़ा नीचे बैठ जाता है, जो जेल जेल होता है वो रह जाता है इसमें, तो मुझे इसको थोड़ा सा चलाना है, ये उबल गया अच्छे से, और उसके बाद मुझे इसे छानना है। और ये अभी छानने के बाद इसको, ये देखिए अभी थोड़ा सा अच्छे से उबल जाएगा ना, तो उसमें जो पत्ते रह जाते हैं एलोवेरा में, क्योंकि छीला नहीं हमने, अगर मैं इसको छील देती तो इसमें क्या होता, इसके पत्ते नहीं रहते और ये पूरे ना थोड़ा सा ऐसे झाग टाइप का बन जाता है, तो फिर क्या है, ये फिर उसमें नीचे कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल एकदम से साफ हो जाता है। लेकिन मैंने पत्ते इसलिए नहीं छीले क्योंकि मुझे इसको छानना था, तो मैंने सोचा इतनी मेहनत इसलिए करनी इसको, क्योंकि इसका मैं वैसे भी पाउडर बनाने, उसको पेस्ट बनाने वाली हूँ, तो जब इसको मैं चलाऊंगी इसमें तो पत्ते अपने आप ही वो नीचे बैठ जाते हैं, जो मोटा मोटा जेल होता है। बाकी क्या है, जो साफ चीजें होती हैं वो, जैसे जेल जेल है या जो हर्ब्स हैं, वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, जो मेरा एलोवेरा है। अब इसको मैं छान लेती हूँ। अभी देखिए जैसा ये है, तो इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा तिरछा करके, जो पत्ते हैं ना, ये पत्ते देखिए ये सब नीचे चिपक गए हैं इसमें, क्योंकि मैंने इसको इतने अच्छे से उबाला है। उबालने के बाद इसको मैं, अभी ये आपको पतला दिख रहा है क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, अब जैसे ही आप इसमें इसको छानूंगी और इसको ठंडा करूंगी तो ये तुरंत एकदम जेल फॉर्म में आ जाएगा। देखिए मैं इसको छान देती हूँ। अभी देखिए जो थोड़ा मोटा मोटा है ना, ये कुछ आंवले का पाउडर है इसमें, और कुछ जो ये एलोवेरा के जो पत्ते हैं ना, कुछ ये है इसमें, थोड़ा मोटा मोटा रह जाता है, और इसीलिए इसको छानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको छानोगे नहीं तो ये आपके बालों में फंसेगा, और ये आपके बालों में फंसेगा तो आपको अनइजी लगेगा, आप हेयर वॉश, और इसको वैसे भी आपको ऐसे नहीं लगाना है जैसे डाई लगाते हो, तो इसको कैसे लगाना है मैं आपको ये बताऊंगी। इसको जैसे देखिए मैंने छान लिया है, तो अभी आपको पतला लग रहा है, पतला इस, आपको इसलिए लग रहा है ये क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, अभी देखिए ये गर्म है, तो अभी जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये जेल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ इसमें एलोवेरा है और आंवला पाउडर है, आंवला मैंने रोस्ट करके डाला है और एलोवेरा जेल है, वो एलोवेरा जो है आप जेल भी डाल सकते हो उसमें, लेकिन मैं, मेरे पास फ्रेश एलोवेरा है, तो मैंने क्या किया, अगर इसको मैं छील करके डालती हूँ तो इसमें फिर इतने सारा जो कचरा है वो नहीं निकलता और इसमें ये बहुत जल्दी जेल फॉर्म में आ जाता, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के बॉयल इसलिए किया है क्योंकि आंवला भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और एलोवेरा भी जो इसके जो थोड़ा सा इसमें मोटा मोटा रह जाता है ना मिक्सी में, जब आप इसका पेस्ट बनाते हो तो वो आपके बालों में ना फंसे, क्योंकि आपको ये जब ठंडा होएगा तो आपको कैसे लगाना मैं आपको बताती हूँ। अभी ये बहुत गर्म है और इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ, जब ये जेल फॉर्म में आ जाएगा तो आपको ऐसे हाथ में लेना है, इसको गर्म है बहुत, तो इसको ऐसे ऐसे लेना है, जेल फॉर्म में आ जाएगा, हाथ में ऐसे लेना है आपको, बालों में ऐसे ऐसे लगाना है, रूट्स में लगाना है, तो और उसके बाद आपको हेयर वॉश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जैसे जब कहीं जाते हो, जैसे आप कहीं अभी जा रहे हो, आपको एकदम से बाल आपके बहुत ज्यादा व्हाइट दिख रहे हैं, तो ये जब जेल फॉर्म में आ जाता है थोड़ा सा हाथ में लीजिए और पूरा रूट्स में लगाइए, और ऊपर पर जहां बाल आपके व्हाइट है उसके ऊपर ऊपर लगाइए और आप बाल सुखा लीजिए, उसके बाद आपको वॉश करने की जरूरत नहीं, और जब भी आप हेयर वॉश करते हो तभी इसको लगा करके रखिए। इससे क्या होगा, एक तो आपके बाल उलझेंगे नहीं, आपके बाल बहुत ज्यादा, ये एलोवेरा जेल आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा, आंवला आपके बालों को हमेशा काला बनाए रखेगा। तो आपने बहुत सारी डाई देखी होंगी जो आपको हेयर वॉश करने के बाद आप लगाते हो, लेकिन ये हेयर वॉश करने से पहले लगाते हो, ये हेयर वॉश करने के बाद लगानी है आपको ये, और इसको आप कहीं भी जाते हो बालों में, आप थोड़ा सा लीजिए जेल को, बालों में ऊपर ऊपर लगा लीजिए जहां जहां आपके व्हाइट है, उसके बाद आप ड्रायर से सुखा लीजिए, बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे और एकदम ब्लैक हो जाएंगे, इतनी अच्छी डाई है ये, डाई तो नहीं कह सकते और हेयर सीरम भी नहीं बोल सकते, बस जेल है ये, ब्लैक हेयर जेल, बहुत अच्छा है बालों के लिए और किसी भी एज में आप इसको यूज कर सकते हो, कहीं जा रहे हो अचानक से तो आप झटपट इसको लगा सकते हो बालों में, बहुत अच्छा है ये, बहुत इफेक्टिव है। थैंक यू एवरीवन, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू।